आप तमाम लोग जानते हैं कि देश भर में बहुत सारे जो शिव भक्त हैं वो कांवर यात्रा निकाले हुए हैं, कांवर यात्रा निकला हुआ है और ये यात्रा काफ़ी चर्चे में है क्योंकि इस यात्रा में कई बार गुंडई की खबर निकल करके सामने आई है। एक ऐसी गुंडई जिसमें ये देखने को मिल रहा है कि बहुत सारे कांवर यात्रा में निकले हुए कांवड़िए जो हैं वो लोगों को पीट रहे हैं, कहीं कार को थकूच दे रहे हैं तो कहीं बाइक को पीट पाट करके जो है उसको थकूच दे रहे हैं। कहीं पर ऐसा भी देखने को मिला कि कांवड़ियों ने मिलजुल करके जो है ट्रक पर हमला बोल दिया, तो कहीं पर यह भी देखने को मिला कि पेट्रोल पंप पर हमला कर दिया। इतना ही नहीं, कहीं पर तो ऐसी भी तस्वीरें सामने आई कि सिर्फ पेट्रोल पंप नहीं बल्कि सरकारी जो कहा जा सकता है चीज़ें हैं उसको भी तोड़फोड़ करना शुरू कर दिया। इतना ही नहीं किया गया, कुछ लोगों को तो ऐसा पीटा कि उन्हें अस्पताल के आईसीयू में भर्ती होना पड़ा। अब एक और ऐसी खबर जो सामने आई है वो है दिल्ली एक्सप्रेसवे से। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मेरठ से एक वीडियो सामने आया है, उस वीडियो को देखने के बाद आपको अंदाजा लग सकता है कि किस तरह से ये जो कांवर यात्रा पे कुछ लोग निकले हुए हैं उनमें से कुछ लोग इस तरह से गुंडई कर रहे हैं जिस गुंडई का सीधे तौर पर उन्हें छूट दे दिया गया है। हम आपको कुछ तस्वीर दिखाना चाहते हैं। ये जनाब आप देख रहे हैं एक दाढ़ी में शख्स दिखाई दे रहे हैं, कुर्ता जो पहना हुआ था वो फट चुका है, फटा नहीं है फाड़ दिया गया है। ये वो शिव भक्त हैं जो शायद भांग के नशे में होंगे और नशा इतना ज़्यादा हाई हो चुका है कि दिमाग पूरी तरीके से निचले स्तर पर पहुँच गया है। अब आप कहेंगे कि ऐसी बातें क्यों कर रहा हूँ, आपको कुछ वीडियो दिखाना चाहेंगे। मसला इनसे नहीं है, मसला है इन लोगों के तरीके से, और ये मसला ऐसा मसला है जिसका हल निकालना बेहद ज़रूरी है। ये कांवर यात्रा पर कांवर यात्रा में है, आप तमाम लोग जानते हैं कांवर यात्रा होता है। इसमें देखिए ये एक ट्वीट सोशल मीडिया पर कविश ने किया है, वो लिखती हैं यह कांवरिये नहीं चलते फिरते आतंकवादी हैं जो किसी को भी रास्ते में मारते पीटते हैं। दिल्ली एक्सप्रेसवे पर कांवरियों ने एक बार फिर कांवर खंडित होने का आरोप लगाकर 3 मुसलमानों को पीटा, उनका कपड़ा फाड़ दिया। मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में बोलबम और जय श्री राम के नारे लगाए गए। अभी कोई नमाज पढ़ने जा रहा आदमी यही काम करता तो उसके घर पर बुलडोजर की कार्रवाई कर दी जाती। ये तस्वीरें देखिए आप किस तरह से जो है ये कांवरिया यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर एक कार है, कार को जम करके थकूचा है, पूरा शीशा वीशा सब कुछ फोड़ फाड़ दिया है। इस गाड़ी में 4 लोग सवार थे, 3 लोग तो किसी तरह जान बचा करके भाग गए, एक शख्स को तो बुरी तरीके से पीट दिया। ये वो कांवरिये हैं जिन्होंने इस तरह का काम किया है। आपको एक और वीडियो दिखाएंगे, देखिए कितने शान से ये लोग जो है कार तोड़ रहे हैं। ऐसा लगता हो कि अपना कार हो, पिताजी ने खरीद करके दिया हो और कहा हो कि लो बेटा फोड़ो, और लोग फोड़ रहे हैं इस तरह से हरकत। यहाँ पर देखिए कुछ लोग भाग गए, लेकिन कुछ लोग एक दो लोग जो बेचारे जान बचा करके भाग गए और ये इस तरह की तस्वीरें सामने आई है। पुलिस प्रशासन की भी मौजूदगी थी, आप देख सकते हैं यहाँ पर पुलिस बल भी मौजूद है। इस पूरे मामले में हम आपको आगे कोई बात करें उससे पहले आप इस वीडियो को देखें। तो दोस्तों आपने इस वीडियो को देख लिया है, आपको बताएं आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस पूरे मामले पर पुलिस प्रशासन का भी बयान सामने आया है, वो काफ़ी चौंकाने वाला है। पुलिस प्रशासन कहती है कि इस पूरे मामले में देखिए असल आरोप क्या लगा था इन साहब पर, जो गाड़ी वाले हैं उन पर ये आरोप लगा कि उन्होंने जो है कांवर को खंडित कर दिया, यानी कि कांवरियों को जो है मामूली सी टक्कर लगी, ऐसी बातें सामने आई। वो एक एक्सीडेंटली हुआ, लेकिन उसके बाद कांवड़ियों ने जो किया उसे सीधे तौर पर गुंडे ही कहा जा सकता है। आप भी इसे देख करके यही बात कहेंगे। इस पूरे मामले पर पुलिस वाले ने जो बयान दिया है वो काफी चौंकाने वाला है। उनका कहना है कि इस मामले को संज्ञान में लिया गया, पुलिस प्रशासन के लोग भी पहुंचे, मामले को शांत करवा दिया गया। शांत कैसे हुआ होगा सोच सकते हैं, और शांति के बाद सबसे चौंकाने वाली बात है वो ये कि दोनों ही पक्ष ने मामला दर्ज करने से इनकार कर दिया। गजब, दोनों ही पक्ष ने इनकार कर दिया है। पुलिस प्रशासन खुद भी तो कार्रवाई कर सकती है, उनके सामने वीडियो है, सारी चीज़ें हैं, सारे प्रूफ्स हैं, लेकिन सवाल यह है कि आखिरकार वो ऐसा करेंगे या नहीं करेंगे। आप तमाम लोग इस पूरे प्रकरण को किस तरह से देखते हैं अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। पहले इस पुलिस वाले का बयान सुनिए कि पुलिस प्रशासन ने क्या बातें कही। एसपी साहब, अभी एक तोड़फोड़ हुई है, कांवड़िए खंडित हुई है, कांवड़ क्या पूरा मामला था? देखिए आज थाना प्रतापपुर के थाने क्षेत्र में ये थाना ये प्रतापपुर इंटरचेंज पड़ता है,
वहाँ पर एक एक्सीडेंट हुआ है, एक गाड़ी रॉन्ग साइड से ऊपर की तरफ जा रही थी, वहाँ पर मौजूद उससे दूसरी साइड जा रहे थे तो उसमें ढाल के गाड़ी टच हो गई थी, जिसके बाद इनकी आपस में झड़प हुई थी और उनके जो गाड़ी चालक थे उनके शीशे तोड़ दिए गए थे। सूचना मिलती पुलिस तुरंत मौके पर पहुँच गई थी, दोनों ही पक्षों को शांत कराया गया था और इसके बाद दोनों पक्षों से बात की गई, दोनों ही पक्ष कोई कार्रवाई नहीं चाहते थे और दोनों ही पक्ष अपने गंतव्य पर जा चुके। तो आपने इस बयान को भी देख लिया है, अब आप तमाम लोगों को अपनी राय लिखनी है, आप इस पूरे प्रकरण पर जो कुछ भी सोचते हैं कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें।